हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं दिलीप बाबरिया, आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल। और आज मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट लेकर के आया हूं जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद और उपयोगी साबित होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट क्या है, चलिए इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है और ये है ब्लूटूथ रिमोट। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सेल्फी से अपनी शूटिंग करना चाह रहे हैं, मगर आपने कैमरा सेट करके आप दूर बैठ गए। अब कैमरे को ऑन कैसे करें, या तो उसमें टाइमर लगाना पड़ता है, यदि बीच में आपको उसे ऑफ करना है फिर चालू करना है तो आप कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए काफ़ी सहयोगी होगा। इसे आप देखने के लिए मेरा पूरा वीडियो देखें, समझने के लिए अंत तक देखें दोस्तों, इसे मैं पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं इसके अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे मैं खोलता हूँ। ये फ्लिपकार्ट से मंगाया है फ्रेंड्स मैंने, इसे फाड़ लेते हैं अपन। ये पॉलिथीन पैक है, ये है वो रिमोट और ये इसके साथ कुछ बिल है और इसमें और कुछ भी नहीं है। इसके साथ एक बैटरी भी हुई अलग से। अब हम इसे खोलते हैं। ये देखिए, मंगा सा रिमोट है छोटा सा और ये बैटरी है। ये 3 वोल्ट की बैटरी इसमें लगती है फ्रेंड्स, और ये इसका बैकअप काफ़ी अच्छा होता है। ये आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगी क्योंकि ये वॉच वगैरह में यूज़ होती है। और हम देखते हैं बैटरी इसमें कैसे लगेगी। इसे पीछे से इसको ये कलर हटाएंगे और से निकाल लेते हैं। और इसे इस प्रकार से लगा करके और इसे वापस इसे अगर अच्छे से लगी नहीं है तो और इसको कवर। ये इसका तो ये रेडी हो गई है फ्रेंड्स। जैसा आप देख रहे हैं, ये दोनों में यूज़ होती है, iOS में भी, यानी आप अपने आईफोन में भी इसे यूज़ कर सकते हैं और एंड्रॉयड में भी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ट्राइपॉड पर कैमरा तैयार कर लिया है, लगा लिया है, कैमरा रेडी है और आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये रिमोट है। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं इसमें, अब आप देखें, मैं इसे एक बार यूज़ करके आपको बताता हूँ। ये मैंने, क्योंकि आपको दिखाने के लिए मैं रिमोट पास में कर रहा हूँ, ये मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, अब वीडियो कैमरा सेट है मोबाइल में, ये मैंने इसे पुश किया। ये देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग, इसकी रेंज 10 मीटर है। इसे मैंने फिर से किया। हम देख लेते हैं इसे स्टिल फोटो के लिए। ये मैं ओपन कैमरा मैंने लगाया है। अब हम देखते हैं इसका डिफॉल्ट कैमरा जो है वो कैसे काम करता है। ये मैं डिफॉल्ट कैमरा खोल लिया है और अब ये स्टिल कैमरा है, वीडियो पे नहीं है, फोटो पे सेट है। ये देखिए, इसे मैंने देखोगे ये दोनों स्विच काम कर रहे हैं। और इसका वीडियो कैमरा भी हम चेक कर लेते हैं। ये वीडियो मोड पर ला करके ये मैंने क्लिक किया,
ये वीडियो शूटिंग स्टार्ट हो रही है। ये शॉर्ट वीडियो में लगा करके मैंने आपको दिखाया था, इसे आप प्ले करके भी देख सकते हैं। ये बहुत कमाल की चीज़ है और बहुत काम आने वाली है दोस्तों। आपको किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से, यदि आपका सेल्फी कैमरा आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने आप से इस रिमोट के जरिए बहुत अच्छी फोटो शूट कर सकते हैं और वीडियो शूट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिस फ्रेंड्स ने जिन्होंने भी अब तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही टेक्निक से रिलेटेड और तरह तरह की वीडियो लाकर रहूँगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड बाय।